जो टेबल है वो बन के तैयार, कितना फॉर्मल हो गया ये, टेबल बन के तैयार हो गई है, सूख चुकी है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। तो सूखने के बाद पहला लुक टेबल का, साथ में लेंगे भाई, आ जाओ, एक डांस तो बनता है यार, कितनी प्यारी बनी है ये। टीचर का फोन आया अभी कि तो उसी को बोलो स्कूल आ जा तैयार होके। गुड मॉर्निंग गाइस, तोशी को भी दिखा दिया और पिकू को भी दिखा दिया, अब बारी है मेरी जुड़वा, हमसे कर ट्वेनिंग करी आज हमने सुबह से, मेरी मम्मी है और ये आटा गूंथ रही है, आटा 24/7 गुस्से में रहते हैं, 12 महीने गुस्से में रहते हैं। बाथरूम साफ हुआ आज नहीं हुआ? तो गाइस देख लिया आपने मेरा दबदबा इस घर में कितना खतरनाक है। ये वो कलर है जो मैं अपने वुडन पीसेस पे यूज करता हूँ, इनको चॉक पेंट कहते हैं, अमेजोन पे मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। 350 के आसपास रेट है, हाँ 350 का है, तो मैं आपको मिल जाता है 250 ml, मतलब महंगा है बट इट्स ऑल वर्थ इट, एक बार आप यूज करके देखोगे आपको समझ में आएगा इसकी फिनिश कैसी होती है, क्या सीन है, कुछ ऐसा नजर आता है। वन फोर्थ वाटर यूज कर सकते हो, चलें शुरू करते हैं। मुझे ऐसा भी नज़र नहीं आता कि चॉक पेंट में कोई स्ट्रोक्स वगैरह की दिक्कत होती है कि आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। दरअसल देख लीजिए भाई कि कैसे पेंट किया जाता है, अगर आप शोरूम वगैरह में जाओगे तो वहाँ तो थोड़ी नेसेसिटी है कि भाई उनको पूरा पेंट करके देना पड़ेगा, बिकॉज यू पेइंग देम, और पैसे जब वो पैसे लेंगे तो पूरा ही पेंट करके देंगे, बट यहाँ नेसेसिटी नहीं, जहाँ आपका फर्नीचर विजिबल नहीं है वहाँ पेंट करने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि सेफ्टी के लिए आप प्राइमर कर ही चुके हो। असल में मेरे जो बाकी फर्नीचर मैंने पेंट किए वो भी बैक साइड से पेंटेड नहीं, पर किसी को आज तक पता भी नहीं है। स्मूथनेस पॉलिश टाइप का लगा है ना, टच करने में अच्छा लगता है नहीं? हाँ, टेक्सचर थोड़ा ग्रीन वैसा रहता है, चौक चौक सा। हाँ, जबकि लग रहा था कि वैसा होगा कैसा, जस्ट नॉर्मली करते ही है ना, पर जो टच करने के बाद पता चल रहा है अच्छा ये है मामला है। जैसे वो लास्ट टाइम इतने चौक वाला ही बना था, वो भी बढ़िया लग रहा था। तो फर्नीचर जहाँ से नहीं विजिबल है वहाँ से पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा पेंट घर में ही फर्नीचर को पेंट करने की जो कला है इसमें क्या अच्छा ही है कि आप बार बार इसको पेंट कर सकते हो, जब आपका मन करे कोई और कलर कर दो इसमें। इतनी धूप में काम करने के बाद चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे उसकी शक्ल पिकू की तरह गंदी हो या फिर वो मेरे तरह स्मार्ट हो, पानी जिसको भी मिलाएंगे आपको दुआएं ज़रूर मिलेंगी। एक ख़ास बात और है कि चॉक पेंट कोई ऑयल बेस्ड पेंट तो है नहीं, इसके ब्रश को सीधा पानी में धो सकते हैं। फिलहाल देख लो कैसा दिख रहा है, माय बॉयज। टेबल बन के तैयार हो गई है, सूख चुकी है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। तो सूखने के बाद पहला लुक टेबल का, साथ में लेंगे भाई, आ जाओ, एक डांस तो बनता है यार, कितनी प्यारी बनी है ये।
ये मेरी छोटी बच्ची है, इसको मैं ऐसी गोदी में घुमाता हूँ वरना ये रोने लग जाती है। ये टेबल कलर पूरी हो चुकी है बट लास्ट एक फाइनल काम बचता है इसमें, एक फाइनल लेयर इसके ऊपर आती है जिसको कहते हैं वैक्स। बहुत सारे काम हो जाते हैं यार ये शादी वादी के सीन में, मम्मी को लेके जाना है मेजरमेंट के लिए और मुझे भी कुछ काम है आज, नाना जी को भी छोड़ के आना है घर पर। चले तो उसी आपको छोड़ने जा रहे हैं हम, आपको छोड़ने आपको कहीं दूर छोड़ के आ जाएंगे जंगल में। उल्लू टूट गया, टूटा नहीं है लाटू, वो उल्लू हो गया कुछ टूटा नहीं है, वो डिजाइन है उसका। कितने तोड़ा? मैंने तोड़ा। क्यों? मेरी मर्जी। तो उसी आराम से बैठो। आपकी मम्मी कहाँ है? मामा है। कहाँ है? और ये मेरा पिट्टू है। जिनका कल न्यू ईयर था उनकी शादी में भी जाना है। हो गया? हाँ। छोड़ना मत रास्ते में नीचे। गोदी में ले जाऊँगा। पक्का? अभी बाहर भी मत छोड़ो, अंदर ही ले जाओ सीधा। हम अभी नाना जी के पास हैं, नाना जी को लेने आए हैं, उन्हें घर तक छोड़ेंगे। और ये हम पहले रिवील नहीं किया कि हमारे नाना जी गोल्ड्स में थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि लेगेसी शुरू से दिखाई जाए कि ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं। तो वहाँ उसके लिए मुझे टाउन जाना पड़ेगा जहाँ कस्बा है ओरिजिनल। पर फिलहाल कोटद्वार में है नाना जी हमारे साथ, और नाना जी कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। नाना जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, मतलब हैंडसम एकदम, धर्मेंद्र। आप सीधा घर चलोगे? हाँ। थोड़ा घूम के आएंगे? जल्दी जाना यार, नानी अकेले है। नानी नानी अकेली, इसलिए हमको जल्दी जाना पड़ेगा। चलो पर किसी दिन मैं कहानी जरूर कवर करूंगा, बहुत लंबी है। हेलो हेलो, नहीं नहीं नाना ऐसे बोलो, हेलो गाइस। हेलो गाइस, व्हाट इज अप? ऐसे बोलो, हेलो गाइस व्हाट इज अप? एक तो बात बेबात पे लाइट भाग जाती है कोटद्वार में, आजकल भाग ही रही है। सर्दियों में पूरी लाइट थी जब नहीं चाहिए थी ज्यादा, अब गर्मियां आ गई हैं तो लाइट भाग जाती है। बिजली आ रही है उत्तराखंड डैम से और 200 यूनिट फ्री है दिल्ली को, बात है। नानी से मिलिए। नानी हेलो गाइस बोल दो एक बार। क्यों बोलना? हेलो गाइस। अरे मैं भी नहीं तैयार हूँ। नानी का मतलब है मैं तेरा बोला हुआ नहीं समझी। नानी ऐसे बोलो, हेलो गाइस। हेलो गाइस व्हाट इज अप? व्हाट इज अप? अरे पैर दो केले दे, पानी पी लूंगा। दो केले दे? नहीं पानी बस। अरे दो केले? बिल्कुल नहीं, देर हो जाएगी मुझे, दूध मैं पीता भी नहीं हूँ, अच्छी चीज़ नहीं खपी मुझे। नानी का डायलॉग है कि अच्छी चीज़ तो खपी नहीं तुम लोगों को, देर हो जाएगी। नारियल खा लिया मैंने? नहीं नहीं पूरा खाया सच में, जा रहा हूँ अब मैं, ठीक है? बस नारियल मैंने खा लिया, बाय बाय। अब जब तक मैं यहाँ से चला नहीं जाऊँगा नानी गेट पे ही खड़ी रहेगी, ठीक है नानी? टाटा, जा रहा हूँ। मामला तो काफ़ी बिखरा पड़ा है, पर ये पॉट वगैरह मैं ले आया हूँ घर पे, अभी दिखाऊंगा नहीं सीन क्या है, बट एक बार टेबल लग जाए उसके ऊपर देख लेंगे कैसा अच्छा लगता है। फिर मोहतरम आएंगी, उनको देखते हैं कैसा लगता है। सनफ्लावर अच्छा एक मिल जाए ना, किसी के पास नेचुरल सनफ्लावर है तो कैसे बताओगे तुम? छोड़ो, एक नेचुरल सनफ्लावर मिल जाए मुझे, एक दो पानी में डाल के रखने के लिए, तो एक अच्छा व्यू बहुत अच्छा आ जाएगा। बट फिलहाल अभी हम लोग शादी में जा रहे हैं, लवी और मैं साथ में। लवी तुम जा रही हो पानी में? शादी में नहीं जा रहे हम। शादी में जा रहे हो मुझे मालूम है, मैं कल व्लॉग में देखूंगी। तुझी आप कितने तेज हुए यार, इधर लाओ इसको, इधर लाओ। क्या बात, क्या बात, महाराज महाराज।
अब जल्दी पहुंच गए टाइम, मतलब बारात जिस हिसाब से हम निकले थे ना उस हिसाब से ना घोड़ी की तेजी से चले हम, क्योंकि हम 9:45 बजे निकले थे और 9:30 बजे पहुंच गए हम यहाँ बारात के साथ ही पहुंच गए। वो दूल्हे की माता जी हैं देखिए, हाँ जो ग्रीन में है आज, ग्रीन ग्रीन बहुत हो गया, मैंने भी ग्रीन, मम्मी ने भी ग्रीन। इधर लाइट में आया आज तो तुमने कभी समा मान रखा है यार। यस क्या लग रहे हो, फोटो आती तो मजा आ जाता है यार। ये देखिए भाई कल वाली ज्यादा अच्छी थी यार, बिल्कुल क्या कल जो मैंने पहना था वो ज्यादा, वो बहुत क्लासी था भाई, वो भाई ये भी बढ़िया है भाई, बहुत सही ना है यार। बहुत मुश्किल से टाइम लगा है और बारात ने अंदर आने में बहुत देर कर दी, तो डीजे वीजे सब बंद है, 10 बजे के बाद सब बंद हो जाता, पर दुल्हन आ गई। वो दूल्हे साहब हैं, कुछ तो सोच में बैठे हैं वो, उनके साथ भी थोड़ा बहुत तो चल रहा होगा जो मेरे दिमाग में चल रहा था उस दिन।